नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल रिव्यू एक्सपर्ट। और आज हम करने जा रहे हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस सीजन 2 का रिव्यू। इस सीरीज को 8 एपिसोड में रिलीज किया गया है और हर एपिसोड लगभग 40 से 50 मिनट का है। ये सीरीज एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा बेस्ड सीरीज है। क्रिमिनल जस्टिस सीजन 1 की ही तरह क्रिमिनल जस्टिस सीजन 2 यूएस की वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस का ही ऑफिशियल रीमेक है। इस सीरीज के डायरेक्टर हैं रोहन सिप्पी और अर्जुन मुखर्जी। इस सीरीज के मुख्य रोल में हैं पंकज त्रिपाठी, जिन्होंने वकील माधव मिश्रा का रोल निभाया है, कीर्ति कुल्हाड़ी, जिन्होंने अनुराधा चंद्रा का रोल निभाया है। 2019 में इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट रिलीज किया गया था। उस सीरीज में मुख्य भूमिकाओं में थे जैकी श्रॉफ, विक्रांत मैसी, पंकज त्रिपाठी, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। क्रिमिनल जस्टिस सीजन 2 बिहाइंड द क्लोज डोर्स में आप देखेंगे कि माधव मिश्रा, जो कि एक वकील है, उनको एक नया केस मिलता है जिसमें अनुराधा चंद्रा अपने ही पति के हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुई है और ये पूरी तरह से ओपन एंड शट केस है। और माधव मिश्रा इस केस को काफी ईमानदारी से लड़ते हैं और इस सीरीज के एंड में ही आपको पता चल पाएगा कि क्या माधव मिश्रा अनुराधा चंद्रा को बेकसूर साबित कर पाते हैं कि नहीं, या अनुराधा चंद्रा पर जो इल्जाम लगे हैं वो कितने सच हैं या कितने झूठ। अब आइए आपको बता दें इस सीरीज में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इस सीरीज का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इस सीरीज में पंकज त्रिपाठी ने काफी जबरदस्त एक्टिंग की है, वो आप लोगों को पूरी सीरीज में एंटरटेन करते रहेंगे। और इस सीरीज में आप लोगों को कुछ नए कलाकारों से भी मुलाकात करने का मौका मिलेगा और ये सीरीज आपको शुरू से लेकर अंत तक बांधने में कामयाब रहेगी। इस सीरीज का नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये सीरीज आपको सीजन 1 का ही मिरर इमेज लगेगा। हार्ड लैंग्वेज और कुछ एडल्ट कंटेंट के कारण बच्चों, आप इस सीरीज से बिल्कुल दूर रहेंगे और कुछ कंटेंट जरूरत से ज्यादा खींचे जाने के कारण ये सीरीज आपको कहीं कहीं स्लो लगेगी। सीरीज का कंक्लूजन ये है कि हम लोगों को ये सीरीज काफी पसंद आई और सीजन 1 की तरह ये सीरीज पूरी एंटरटेन की और स्पेशली पंकज त्रिपाठी की नेचुरल एक्टिंग हमें काफी पसंद आई। हमारे हिसाब से आपको ये सीरीज एक बार जरूर देखनी चाहिए और हम लोग इस सीरीज को देखने के बाद इसको 3.5 रेटिंग देते हैं आउट ऑफ 5 में। और अगर आप लोगों को इस सीरीज का रिव्यू वाकई पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना।